हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह। आज हम हाइड्रोलिक में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व में अंतर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे और उनका हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने दो सिंबल्स पहले बनाए हुए हैं, एक है प्रेशर रिलीफ वाल्व का और यह है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का। ठीक है, प्रेशर रिलीफ वाल्व सिस्टम में हमेशा पैरेलल में लगता है और ये इसका सिंबल है, और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व सिस्टम में हम लगाते हैं सीरीज में, इसका सिंबल ये है। बट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये सिंबल आता है। पहले सिंबल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अदर डिफरेंसेस इसके। तो पहले लेते हैं हम प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व में बेसिकली क्या है कि इस तरीके से एक ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक को हम कहते हैं ये इस तरीके से क्यों है ये कि ये जो लाइन है, जैसे मान लो हमारा ये पंप लगा दिया हमने और इसके साथ हमने ये मोटर लगा दी। ठीक है, अब ये जो लाइन है हमारी, यहाँ पे एक एनआर भी लगा दिया और ये लाइन आगे जा रही है। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल में हमने ये वाल लगाना है, तो ये जो ब्लॉक है इसको कहते हैं नॉर्मली क्लोज ब्लॉक, एनसी ब्लॉक। एनसी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये फ्लो को इधर नॉर्मल कंडीशन में जाने नहीं देगा, और यहाँ पे हम इसके साथ लगाते हैं पायलट लाइन। ठीक है, ये पायलट लाइन है और यहाँ हम स्प्रिंग बना देते हैं। स्प्रिंग के साथ वेरिएबल का सिंबल होता है, ये सिंबल वेरिएबल का है। यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं कि कितने प्रेशर पर ये करें, और यहाँ पे हम एक प्रेशर गेज लगाएंगे जिसको कहते हैं पीजी, प्रेशर गेज। ठीक है, अगर मान लो हमको 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर सिस्टम में सेट करना है, तो 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर को ये सिस्टम में मेंटेन करेगा, बाकी के प्रेशर को टैंक में रिलीफ कर देगा, ये हम टैंक में कर देगा। ठीक है, ये टैंक लाइन है और ये प्रेशर लाइन। ठीक है, तो ये प्रेशर लाइन जो जा रही है सिस्टम में पंप के बाद, इसको हम यहाँ लगाते हैं, जो कि सिस्टम के प्रेशर को मेंटेन करता है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी को टैंक में वापस भेजता है। दूसरा है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व ये सिंबल है, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर सर्किट ही बना दूंगा, आप यहाँ सिंबल समझ लो कि ये पंप है और पंप से प्रेशर जा रहा है, तो प्रेशर लाइन, एक लाइन मान लो ये हमारी इधर जा रही है और दूसरी लाइन ये है। मान लो हमारा यहाँ पे दो लाइनें हैं, तो पंप के बाद जो हमने ये सिंबल दिखाया है, इस सिंबल में हम पंप यहाँ नहीं दिखाएंगे, इतना सिंबल हमने दिखा दिया, नीचे से प्रेशर आ रहा है। अब इस लाइन में मान लो हमारा 60 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर है। ठीक है, तो 60 है तो यहाँ तो रहेगा 60 का, और यहाँ पे आपको अगर 50 चाहिए या जो भी है, वो प्रेशर इस लाइन में जाएगा, ये प्रेशर को रिड्यूस करता है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्या करेगा, प्रेशर को लाइन में रिड्यूस करेगा। तो ये लाइन में लगाते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को और सिस्टम में लगाएंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व को। इसका मैं एक ड्राइंग के साथ बताता हूँ कैसे हम लगाएंगे। देखो, हमने ये पंप ले ली और ये मोटर हो गई। ठीक है, यहाँ से एनआरवी लगा दिया, एनआरवी के बाद ये एनआरवी हो गया, यहाँ पे पीआरवी लगा दिया, प्रेशर रिलीफ। ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया और
ये हमारा टैंक हो गया, ठीक है, और ये सक्शन फिल्टर हो गया, सक्शन स्ट्रेनर, ओके, ये पंप है और ये इलेक्ट्रिक मोटर है। पंप का सिंबल हमेशा डार्क होता है, ऊपर की तरफ होगा जो प्रेशर दे रहा है, अगर ये डार्क नहीं होता तो ये न्यूमैटिक होता। हाइड्रोलिक में हमेशा ट्रायंगल को फिलअप कर देते हैं, भर के रखते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा मान लो पीजी लगा हुआ है प्रेशर के, और ये हमने सिस्टम सेट कर दिया 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर, ठीक है। अब हमने आगे तीन ब्रांच ले ली, एक ब्रांच में तो ले लिया 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरी ब्रांच में हमने यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल लगा दिया, ये यहाँ पे हमारा आ गया 10 लाइन, और एक लाइन ये हमने यहाँ दे दी, यहाँ भी एक सिंबल हमने शो कर दिया, और ये आ गया, और यहाँ पे भी हमने स्प्रिंग दिखा के। अब 50 केजी का प्रेशर यहाँ है, 40 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ है, और 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हमने ले लिया। अब इन दोनों में क्या अंतर है? प्रेशर रिलीफ वाल, ये प्रेशर रिलीफ वाल है, लिख देते हैं प्रेशर रिलीफ वाल। प्रेशर रिलीफ वाल हमेशा पैरेलल में लगाएंगे, और इसमें एनसी ब्लॉक यूज होगा, ठीक है। एनसी, एनसी क्यों यूज होता है? एनसी का मतलब है, अगर इलेक्ट्रिकल में हम बात करते ना, एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, मींस फ्लो जा रहा है, बट हाइड्रोलिक में इसका उल्टा है। हाइड्रोलिक में एनसी का मतलब है फ्लो नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये सिस्टम पे लगता है सिस्टम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, क्या के लिए? सिस्टम प्रेशर को मेंटेन करता है। और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल हमारा सीरीज में लगता है लाइन में, और ये लाइन में जैसे हमारा मान लो 50 केजी का प्रेशर है, तो सीधा सीधा 50 यहाँ मिल रहा है, बट यहाँ पे हमने प्रेशर रिड्यूसिंग वाल से 40 केजी ले लिया, और यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल से 30 ले लिया। तो ये वाल जो है ना, ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल है, और ये भी सेम, ये भी और ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है, दोनों। अब ये वाल लाइन के सीरीज में लगेगा, पायलट लाइन आउटगोइंग साइड से बैक आता है, ये देखो ये सिंबल हमारा आउटगोइंग साइड से बैक आएगा, मींस लाइन में पहले प्रेशर जाएगा, फिर लाइन का प्रेशर मेंटेन होगा, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वो यहाँ ये टैंक शो किया हुआ है इसमें वापस आएगी स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग के रास्ते से, ये इसका सिंबल होता है। ये वाल्व जो है ये हमेशा NO कंडीशन में लगता है, ये लगता है NO, NO का मतलब इलेक्ट्रिकल में होता है ओपन, मतलब बंद, हाइड्रोलिक में उल्टा है, हाइड्रोलिक में ओपन का मतलब है रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक में NO मींस आगे फ्लो जा रहा है। दूसरा इसमें मैंने बताया, पहला अंतर क्या है कि प्रेशर रिलीफ वाल्व सिस्टम में हमेशा पैरेलल में लगता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमेशा सीरीज में लगता है। दूसरा अंतर, प्रेशर रिलीफ वाल्व में एनसी ब्लॉक यूज होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में NO ब्लॉक यूज होता है। तीसरा अंतर, प्रेशर रिलीफ वाल्व सिस्टम प्रेशर को मेंटेन करने के काम आता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लाइन प्रेशर, डिफरेंट लाइंस में डिफरेंट प्रेशर मेंटेन करने के काम आता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व हमेशा पंप के बाद यहाँ लगता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमेशा
लाइंस में लगता है, जैसे आप देख लो ये लाइन है। तो फ्रेंड्स मैं ये हमारी ब्रांच हो गई, ब्रांच में लगाया है। अब इसमें आगे इनकी जो वर्किंग है, प्रेशर रिलीफ वाल्व वर्क कैसे करता है, हाउ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व वर्क, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अभी मैंने दोनों का, प्रेशर रिलीफ वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का अंतर मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।